Hello, good morning students. My name is Ankita Agarwal. I am your maths teacher. आज इस क्लास में अपन अपना थर्ड चैप्टर इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो ये आपकी स्लाइड है. यहाँ पे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इवन एंड ऑड नंबर्स. आज हम इवन और ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले अपन सबसे पहले देखते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर अप टू 10 तक के, 1 से लेके जो 10 तक के नंबर होते हैं. यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा है एक ऑड फर्स्ट नंबर जो हमारा ऑड है, जो नंबर है 1 वो क्या है, एक ऑड नंबर है. जो 2 है वो इवन, फिर अगेन 3 ऑड, फिर फोर्थ इवन. इस तरह से अल्टरनेट करते हुए क्या हो रहा है, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर होते हैं. लेकिन अभी तो अपन को ये भी जानना है कि इवन नंबर क्या होते हैं, कि कैसे अपन जाने कि कौन सा नंबर इवन होगा और कौन सा नंबर ऑड होगा. तो हम कैसे बताते हैं, एन इवन नंबर कैन बी ग्रुप्ड बाय 2 एंड एन ऑड नंबर कैन नॉट बी इवनली ग्रुप्ड बाय 2. यहाँ पे इसका मतलब है जो भी चीज़ अपनी दो हो जाती है. यहाँ पे ग्रुप किससे बनता है, ग्रुप तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन कोई दो चीज़ें होती हैं. जैसे अपन शूज़, अगर अपन शूज़ की बात करें तो अपन एक जूता तो नहीं पहन के चल सकते ना, अपन को दोनों पैरों में शूज़ पहनने पड़ते हैं. तो पेयर ग्रुप को अपन जब पेयर और ग्रुप ऑफ टू चीज़ें, दो चीज़ों का जब अपना पेयर होता है, दो चीज़ें जब अपन एक साथ रखते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पेयर. तो अपन जब शूज़ पहनते हैं तो भी वो अपन को पेयर में चाहिए रहते हैं, ग्लव्स पहनते हैं वो भी पेयर्स में चाहिए, और भी चीज़ें जो भी हैं अपनी सब क्या होती हैं, जब कोई भी चीज़ दो होती है तब उसे अपन क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं. और जो इवन नंबर्स हैं, अब इवन नंबर हैं, जैसे अगर अपन ने बोला कि दो शूज़ हैं मेरे पास, तो क्या हो जाएंगे, जो 2 है वो इवन नंबर हो जाएगा. अब अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं, तो जो 4 चॉकलेट्स को अपन क्या कर सकते हैं, दो दो करके डिवाइड कर सकते हैं. एक में एक जन को दो चॉकलेट दे दी, एक को दो चॉकलेट दे दी, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, टोटल अपने पास 4 चॉकलेट्स हैं, दो ग्रुप बना दिए और एक भी चॉकलेट अपने पास एक्स्ट्रा नहीं बच रही है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर. मतलब जो अपने पास कोई भी चीज़ है और अपन उसको दो दो के ग्रुप में बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, और अपने पास कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बचती है, तब उसे अपन क्या बोलते हैं, इवन नंबर. लेकिन जैसे अपने पास अगर 3 पेन है, अगर मैंने बोला कि आप लोग इक्वल में बांट लो, दो लोग बांट लो, तो नहीं हो पाएगा. एक को अपन 2 पेन देंगे और एक के लिए एक ही पेन बचा, 2 पेन नहीं गए उसके पास, तो जो 3 है एक पेयर बना और एक के लिए पेयर नहीं बन पाए, तो इट मीन्स जो 3 नंबर है वो हमारा क्या है, ऑड नंबर है. समझ में, जब दो चीज़ों का, जब किसी का 2 का पेयर बन जाता है, दो चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो वो इवन नंबर है, और अगर पेयर नहीं हो पाता है तो वो क्या है, एक ऑड नंबर है. यहाँ पे अपन जानते हैं कि इवन नंबर कौन कौन से, 0, 2, 4, 6 और 8, ये अपने क्या है, इवन नंबर होते हैं. कोई भी अगर अपने पास डिजिट है, जैसे कि अगर अपन बात करें 14 की, 1, 4, 14, 14 का जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 4. 4 यहाँ पे दिख रहा है, हाँ है, तो 4 क्या है, अपना एक इवन नंबर है. यही बात अगर हम बड़े नंबर्स की बात करते हैं, अगर हमने बात कर दी, पूछा हमने कि 58 में ये हमें बताना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर, तो 58 में जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 8 है. 8 हमारा इवन नंबर है, इट मीन्स जो 58 है वो भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा. ये आपको लर्न करना है कि अपने इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8 जो हैं वो अपने इवन नंबर्स होते हैं. अब ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये अपने क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं. अगर मैंने आपसे बोला 25, तो 25 इवन नंबर है या ऑड नंबर, इसको पता कैसे करेंगे कि 25 अपन ने राइट किया है यहाँ पे 25. अब 25 का जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 5. 5 एक ऑड नंबर है, इसलिए 25 भी क्या होगा, अपना एक ऑड नंबर होगा.
अंडरस्टैंड. अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें कि अगर मैंने लिखा 76 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 6. 6 जो है वो यहाँ पे ऑड नंबर में तो नहीं है, इवन नंबर है. इट मींस जो 76 है वो क्या है, अपना एक इवन नंबर है. सो आपको इस तरह से ये भी लर्न करना है कि इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर. इवन नंबर क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8 जो हैं वो अपने इवन नंबर हैं, जबकि 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं. नाउ वी मूव ऑन अवर बुक. अपन बुक में जाते हैं तो बुक में आप पेज नंबर 11 ओपन करेंगे, चैप्टर 3, इवन एंड ऑड नंबर्स. यहाँ पे भी देखिए आपको दिखाई दे रहा है पेयर मींस क्या होता है, ग्रुप ऑफ टू, जब कोई भी चीज़ दो होती. यहाँ देखिए यहाँ पे जो सूज़ हैं, यहाँ दो सूज़ रखे हुए हैं, इट मींस कितने पेयर हैं, एक पेयर है और दो सूज़ हैं. यहाँ पे शॉर्पनर भी रखे हुए हैं, दो शॉर्पनर रखे हुए हैं. नंबर कितने हैं, दो, लेकिन पेयर कितने हैं, एक. अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है 2 pairs means 4, 3 pairs means 6. यहाँ पे अपन नेक्स्ट वाले में देख रहे हैं बलून है, कितने बलून है, 4. 4 बलून है, लेकिन अपन ग्रुप कितने बना लेंगे. अगर अपन इसकी बात करें, अगर इसमें देखें तो इन दो बलून का एक ग्रुप बना और इस दो बलून का एक ग्रुप बना, कितने पेयर बन गए, 1, 2. कितने पेयर है, 2 pairs हैं, लेकिन बलून कितने हैं, 4. इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी ये दो बलून, ये नेक्स्ट 2 और ये नेक्स्ट 2, कितने बलून बन गए, कितने पेयर बन गए अपने पास, 3. 3 pairs हैं, लेकिन अपने पास बलून कितने थे, 6. इस तरीके से. और कोई भी अपना जो बलून है वो लेफ्ट सिंगल नहीं बचा है. तो जब इवन नंबर होते हैं तो कोई भी नंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान हमारा अकेला नहीं बचता है. और रही बात अगर अपन बात करते हैं और नंबर्स की, तो नेक्स्ट पिक्चर में अपन देख रहे हैं कितने हमारे पास मैंगो हैं. यहाँ पे मैंगोज़ अगर मैं दो दो का पेयर करती हूँ तो एक दो, दो पेयर बना और एक एक मैंगो अभी भी हमारा क्या है, बचा हुआ है. इट मीन्स यहाँ दो पेयर तो हैं लेकिन एक मैंगो एक्स्ट्रा है, उसका ग्रुप नहीं बना है. तो ये क्या हो जाएगा, ऑड. कितने मैंगो थे, 5 मैंगो थे, 4 का ग्रुप बन गया, एक बचा रह गया. इट मीन्स जो 5 है हमारा वो क्या है, ऑड नंबर है. इसी तरीके से अपन रोजेस की बात करते हैं तो अपन रोजेस में जब ग्रुप बनाते हैं तो 1, 2, 3 तीन ही ग्रुप बने और एक रोज़ जो है वो हमारा लेफ्ट है, बचा हुआ है. तो टोटल कितने रोजेस से, 7, और तीन ग्रुप बने और एक लेफ्ट रह गया, एक बच गया. इट मीन्स जो 7 है, 7 क्या एक ऑड नंबर है. समझ में आया कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है 2, 4, 6, 8 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. वहीं पे 1, 3, 5, 7 और उसके आगे के जो भी नंबर हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं. नेक्स्ट अब अपन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सर्किल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन पेयर्स. अपन को जो ऑब्जेक्ट पेयर में है उन्हें सर्किल करना है. पेयर मींस अगेन कितना, दो हो. जो भी चीज़ अगर, कोई भी चीज़ अगर दो है तो हमें उसे सर्किल करना है. यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में दो कप हैं, इट मीन्स पेयर है, तो इस पर अपन ने क्या कर दिया, सर्किल कर दिया. अब बॉल है, यहाँ पे एक ही बॉल है, एक ही बॉल है तो इसका पेयर नहीं बना है, इट मीन्स नहीं है ये. नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल है, कितने एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं, तो अगेन ये पेयर नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या हैन है, हैन कितनी है, 2 है, 2 है, इट मीन्स ये क्या है, एक पेयर है. तो यहाँ पे देखिए मैंने हैन को भी क्या हुआ, सर्किल कर दिया. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट है हमारा रिंग द ऑब्जेक्ट्स इन पेयर्स टू फाइंड वेदर दे आर इवन और ऑड, देन काउंट एंड राइट द नंबर इन द करेक्ट कॉलम. यहाँ पे आपको इमेजेस बनी हुई हैं, आपको दो दो का पेयर करना है और उस पेयर के बाद बताना है कि वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर, और साथ में उसकी काउंटिंग भी बतानी है कि वो टोटल कितने हैं.
फर्स्ट यहाँ पे देखिए सनफ्लावर बने हुए हैं, मैंने इनका पेयर बनाया है। तो यहाँ पे ये दो का मैंने पेयर बनाया, फिर नेक्स्ट टू का पेयर बनाया। अब लास्ट में सिर्फ एक ही बचा हुआ है, इसका तो पेयर नहीं बना। इट मीन्स ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टिक भी कर सकते हैं अपन कि ये क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर। ऑड नंबर था, ऑड पे हमने टिक कर दिया। और कितने फ्लावर हैं, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 राइट कर दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं यहाँ पे टूथपेस्ट से कलर निकला हुआ है। अब मैं इनकी ग्रुपिंग करती हूँ। तो ये फिर से ये दो कलर्स की पेयरिंग कर दी मैंने, और देख रहे हैं यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। इट मीन्स क्या है, ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर पे मैंने यहाँ पे राइट टिक किया, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 राइट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करना है, और अपनी और इसकी प्रैक्टिस करनी है कि इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर्स कौन से हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।